और आज हम बात करेंगे कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय की। तो साथियों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए जारी किया गया। तो इसके अंदर साथियों, जो आवेदन करने की जो डेट है वो 9 मई 2022 है, 9 मई 2022 रखा गया है। 9 मई 2022 से ये स्टार्ट हो चुका है और 30 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है साथियों। 30 जून 2022 तक आप इसको फिल करवा सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके बाद में साथियों, और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से वहाँ पर जा कर के भी आप इसको 9 जुलाई 2022 तक इस रिक्रूटमेंट को जमा करवा सकते हो। रिक्रूटमेंट जमा यानी जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भी जमा करवा सकते हो। उसके बाद में साथियों, इसमें डिपार्टमेंट दी हुई है अलग अलग कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा है। जो इकोनॉमिक के अंदर एक सीट है प्रोफेसर की जो ऐसी कैटेगरी की है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज इसमें दिया हुआ है, ये ऐसी कैटेगरी आ गया। फिर जनरल की एक पोस्ट, फिर ऐसी की एक पोस्ट, इस तरीके से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन तीनों के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है और यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इकोनॉमिक एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, टूरिज्म स्टडीज़, ये सारे इसके अंदर सब्जेक्ट दिए हुए हैं और सबके अंदर पोस्ट निकली हुई है। प्रोफेसर की पोस्ट कि प्रोफेसर की कौन सी कैटेगरी से, ऐसी कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से या सामान्य कैटेगरी से, तो ये सारे इसके अंदर दिए हुए हैं साथियों। उसके बाद में नीचे एक डेट दी गई है, एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रारंभिक डेट थी साथियों, 9 मई 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसके लास्ट डेट रखी गई है 30 जून 2022। 30 जून 2022 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। और अगर आपके जो लास्ट डेट है इसकी, जो आप फॉर्म को भरे थे उसके डाउनलोडेड कॉपीज़ ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ एग्जाम, तो इसका मतलब ये है कि आप जो आपके पास में कॉपी है वो यूनिवर्सिटी में जमा कराने की 9 जुलाई 2022 है। इसके बाद में इसके अंदर जो प्रोफेसर है उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है, पीएचडी डिग्री ये इसके अंदर दिया गया है, रिसर्च स्कोर 120 पर द कैटेगरी, तो इसके अंदर जो रिसर्च पीएचडी के लिए इसमें रखा गया है, इसको पीएचडी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में साथियों, एसोसिएट प्रोफेसर इसके लिए भी पीएचडी ज़रूरी है और मास्टर डिग्री में 55% होना ज़रूरी है, ये इसके अंदर मिनिमम चाहिए। और साथियों, इसके अंदर आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद में आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, एलिजिबिलिटी इसके अंदर मास्टर डिग्री में 55% होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद में आपको आपके पास में यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक साथियों। और ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो इसकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो साथियों। 21 पेज है इसके अंदर और 21 पेज को आप बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। इसकी जो वेबसाइट है वो है cuwww.cukashmir.ac.in, ये इसकी वेबसाइट है साथियों। नीचे देखोगे आप लाइन पे, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन के अंदर जो कैटेगरी वाइज दिया गया है, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए, अगर 80 के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं 80% तो उसके 15 नंबर, और 60 और 80 के बीच में तो 13 नंबर, 55 और 60 के बीच में तो उसके 10 नंबर, और 45 से 55 के बीच में आपके ग्रेजुएशन में यानी बीए के अंदर अगर आपके 45 या 55 के बीच में है तो उसके 5 नंबर,
पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए के अंदर 80 के ऊपर है अबव, तो आपके 25 नंबर, 60 और 80 के बीच में तो 23 नंबर, और आपके 55 नंबर है, 55% से कम है, 55% और 60% के बीच में है तो उसके 20 नंबर साथियों। एम फिल के इसके अंदर 7 और 60 के अब ऊपर होनी चाहिए। पीएचडी के 30 हैं, नेट जेआरएफ के 7 हैं, नेट के 5 हैं और जो सेट है उसके 3 नंबर इसके अंदर जोड़े गए हैं। रिसर्च के अंदर साथियों इसके अंदर 10 नंबर जोड़े गए हैं साथियों। उसके बाद में आपके जो टीचिंग पोस्ट डॉक्टरियल एक्सपीरियंस चाहिए तो ये 2 ईयर 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, इसके 10 नंबर हैं। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का जो कोई अवार्ड आपको मिला हो तो उसके 3 नंबर हैं, स्टेट लेवल का जो अवार्ड है तो उसके 2 नंबर हैं, और आपके पास में एमफिल और पीएचडी की डिग्री है तो उसके आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स ही मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है सकते हो। नेट और जेआरएफ सेट के लिए 7 नंबर है, अगर तीनों ही आपके पास में तो भी आपको 7 नंबर ही मिलेंगे, और इन अवार्ड कैटेगरी तो उसके 3 मार्क्स है। आपको अवार्ड कोई सा भी हो, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, तो उसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर से अधिक नहीं मिल सकते। आपके तीनों ही आपके पास में तो भी आपको 3 नंबर से अधिक नंबर मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ये कैटेगरी वाइज इसमें डिवाइड किया हुआ है, आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के आप वहाँ से टीच कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन आया वहाँ से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जानने के लिए साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच सके। धन्यवाद।